नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाथरस कांड पर बहुत बड़ी खबर है। बाबा के वकील का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। हाथरस में भगदड़ के पीछे साजिश थी, ये कहा एपी सिंह ने, जो बाबा के वकील हैं इस पूरे मामले में। भगदड़ बचाने वाले लोग अचानक आए थे, एपी सिंह ने ये बात कही। 10 से 15 हाफ पैंट पहने लोगों ने भगदड़ मचाई थी। एपी सिंह शराब के नशे में थे, ये बात उन्होंने कही कि वो लोग शराब के नशे में थे, भगदड़ मचाने वाले नशे में थे, ये कहा एपी सिंह ने। तो बाबा के वकील ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि भगदड़ मची नहीं, मचाई गई थी। 10 से 12 लोग हाफ पैंट में आए और उन्होंने ही ये भगदड़ मचाई। वो सभी लोग नशे में थे, ये भी कहा एपी सिंह ने। भगदड़ मचाने वाले नशे में थे और उन्होंने ही अचानक आकर भगदड़ का माहौल बनाया। एपी सिंह ने यह दावा किया है। हाथरस कांड के पीछे साजिश का दावा किया गया है बाबा के वकील एपी सिंह द्वारा। हुए थे लोग 10-15 की संख्या थी, हाफ पैंट पहने हुए थे। मधुकर ने बताया और सभी इंजर्ड ने बताया, जो इंजर्ड हैं अस्पतालों में, क्योंकि इंजर्ड हुए तो इंजर्ड वहां के आई विटनेस हैं। इंजर्ड महिलाओं ने बताई, कहा बेटा हमने कभी देखे नहीं थे वो लोग, ऐसे शराब पियो, ऐसे धक्का दे रहे, मार रहे, कुचल रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। कोई औरतों को हमारे देश में नारी यत्र देवत्र सर्वत्र पूज्यते, नारी की पूजा होती है। तो एपी सिंह ने यह दावा किया कि कुछ घायल महिलाओं ने इस बात को कहा है कि 10 से 12 लोग आए थे, हाफ पैंट उन्होंने पहनी हुई थी, शराब के नशे में थे और उन्होंने ही आकर लोगों के साथ धक्का मुक्की शुरू की और उन्होंने ही भगदड़ का माहौल वहां पर क्रिएट किया। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपने विस्तार से बात की है एपी सिंह से, और क्या दावा वो बाबा की ओर से करते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, लगातार एपी सिंह इस पूरी घटना पे अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर न्यूज 18 के इंटरव्यू में ये उन्होंने खुद कहा है कि 10 से 15 लोग ऐसे व्यक्ति थे जो शराब के नशे में थे। उन्होंने खुद ये बात मधुकर से बात करके बताई है और जब उसने सरेंडर किया था उससे पहले उसने एपी सिंह को यह जानकारी दी। और खुद एपी सिंह जब अस्पतालों में तमाम घायलों से मिल रहे थे तो तमाम जो घायल थे, जो आई विटनेस थे, उनकी तरफ से कहा गया कि 10 से 15 ऐसे लोग आए हुए थे जो शराब के नशे में थे और औरतों को ढकेल रहे थे। चूंकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन अगर मधुकर के द्वारा जो एपी सिंह का बयान है ये अपने आप में एक बड़ा बयान होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि एक बड़ी साजिश है। और अगर ये साजिश है तो कौन उसके पीछे है, कौन लोग हैं जो इतने बड़ी घटना में शामिल थे जहां पर 123 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ा सवाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्तर पर यह भी देखने को होगी कि तमाम जो घायल हैं, जो तमाम लोग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, जिनके बयान को रिकॉर्ड किया गया है, उस बयान के आधार पर अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ये चौंकाने वाले तथ्य हैं कि हाफ पैंट में वो 15 व्यक्ति कौन थे। क्योंकि अगर इस पूरे मामले में ऐसा कुछ हुआ है तो एपी सिंह के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर उस दौरान कोई भी घटना वीडियो में रिकॉर्ड की गई हो और लोग डर रहे हो कि हम ये सबूत के तौर पर कैसे दें, तो उन्होंने न्यूज 18 का भी एड्रेस बोला, उन्होंने अपने फेसबुक का एड्रेस बोला, अपना मोबाइल नंबर बोला कि वहां पर भेज दिया जाए। तो ये बड़ा दावा एपी सिंह की तरफ से किया गया है। जाहिर सी बात है, बाबा के वकील हैं, लेकिन वो कुछ उन लोगों को भी कोट कर रहे हैं जो घायल महिलाएं थीं और उन्होंने ऐसा दावा किया है कि इन महिलाओं ने ये बात कही है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का अंदेशा जताया था कि इस भगदड़ के पीछे साजिश हो सकती है। सीएम ने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं। का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना।
और हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि वो 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। उन्होंने सभी से शासन प्रशासन पर भरोसा रखने की अपील की। उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा। घायलों के साथ मेरी पूरी संवेदना है, बाबा ने ये बात कही। और आपको बता दें, हादसे के बाद बाबा सूरजपाल का ये बयान सामने आया है। प्रत्यक्ष रूप से कैमरे के सामने मीडिया से आकर उन्होंने ये बात रखी है। उन्होंने कहा, घायलों के साथ मेरी पूरी संवेदना है और शासन प्रशासन पर यकीन रखें, जांच सही दिशा में चल रही है और उपद्रवी जल्द पकड़े जाएंगे। 2 तारीख की घटना से मैं दुखी हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा रखें लोग। ये बातें कैमरे पर आकर बाबा सूरजपाल ने बोली हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। हाथरस हादसे के 4 दिन बाद आज बाबा सूरजपाल सामने आए। बाबा सूरजपाल के सामने आने के बाद उनके वकील एपी सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। साहब, इतने दिन बाद आना, बाबा का इतने दिन बाद आना सामने, ये थोड़ा हजम नहीं हुआ? किले की तरह उसमें रहे लोगों ने, तो कल ही तो कहा था आपने कि न्यूज 18 ने कहा था कि लेटर से नहीं बल्कि सामने आना चाहिए। हाँ। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अगले दिन पूरी कर दी। आपने कहा मधुकर फरार, हमने कहा नहीं, मधुकर हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, हार्ट, और मैंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं किया, सरेंडर नहीं लगाया, अरेस्टिंग स्टे नहीं लगाया। अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट ने, सब कोर्ट खुली थी, कोई छुट्टी तो नहीं थी इस समय, सब कोर्ट वर्किंग थी, कहीं कोई हमारी तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार, कोई नहीं। मेरा वादा था नहीं, हम क्यों करें, हमारे लोग मरे। घटना इतनी गंभीर थी तो बाबा को तुरंत सामने आना चाहिए था। बाबा तुरंत आए, मुझे इंगेज किया ना, आपको इंगेज किया, ये तो वेल नोन है। नहीं, आप गए, मेरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा को इतने दिनों बाद आना, ये समस्या परे है। जब उनकी उनके देखिए उनके श्रद्धालु जब बिलख रहे थे, उनके श्रद्धालु जब ये चाह रहे थे कि बाबा आए, सामने आए, तब बाबा अपनी व्यवस्था सेट करने में लगे हुए थे कि हम अपना लीगल सेफ कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं। गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। डॉक्टर एपी सिंह से मिल नहीं, 123 मौतें, एपी सिंह साहब आप समझ रहे हैं? सुनो, डॉक्टर एपी सिंह को इंगेज करना गुनाह है कोई क्या? मैं अच्छा एडवोकेट हूँ कि ये नहीं बताया? न्यूज 18 पहले ये बताया मैं अच्छा एडवोकेट हूँ कि नहीं? उसमें तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सही हूँ, वकालत ठीक करता हूँ अपने दिमाग से जितनी मेरी क्षमता है। संपूर्ण तो कोई नहीं होता है दुनिया में, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सही करता हूँ। आप वेरीफाई कर रहे हैं इस बात? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लीगल से जुड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट के सुनते हैं सब कर। क्या ऐसी घटना के बाद स्तब्धता नहीं आती मन में? कुछ शब्द ना बोलने का नहीं लगता है क्या? अंधेरा छा गया है हर तरफ, कानों से चीतकार गूंज रही है, जब आंख खोलते हैं तो लाशें दिखती हैं, बच्चे मरे देखते हैं। जो लोग व्यवस्थाओं में थे, जो थोड़ी देर पहले जल व्यवस्था में थे, तो थोड़ी देर पहले व्यवस्था पंडाल में दरी बिछाने में थी महिलाएं लगी हुई, वो तुरंत लाश बन गई, ऐसे पड़ी है चित, उन्हें अपने शरीर का होश नहीं, लाश हो चुकी है।
हाथरस हादसे की जांच के लिए बनी न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंची और घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच में जुट गई। जांच टीम एडीजी आगरा जोन, कमिश्नर और आईजी अलीगढ़ समेत अन्य अफसरों से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी लेगी और दस्तावेजों की जांच करेगी। न्यायिक आयोग के सदस्य घायलों से भी मुलाकात कर पूछताछ करेंगे। आपको बता दें, जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। न्यायिक आयोग की हाथरस कांड की जांच के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। तो सरकार ने 3 सदस्यीय जांच आयोग बनाया है और यह जांच टीम हाथरस पहुंचकर जांच करेगी। यह टीम हाथरस पहुंच चुकी है, 3 सदस्य हैं इस न्यायिक आयोग में और वहां पर जानकारियां खंगाल रही है। घटनास्थल का भी उसने मुआयना किया है, लोगों से बातचीत की जाएगी, आला अफसरों से भी मिलेगी जांच टीम और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजेगी। आयोग को अगले 2 महीने में जांच रिपोर्ट देनी है।